एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3, XYZ बैंक गेंड ₹8034 ऑन इट्स लोन एट 6% कंपाउंड मार्कअप इन 2 ईयर्स, व्हाट अमाउंट डिड इट लैंड। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि XYZ कोई बैंक है, उसको प्रॉफिट हुआ 8034 पीस का, गेंड मींस प्रॉफिट, रेट जबकि रखा गया 6% और टाइम 2 ईयर्स। बाद में पूछा गया है कि कितनी अमाउंट कर्ज के तौर पर उस बैंक ने दी थी। पहले जो वैल्यूज़ बताई गई हैं लिख लेते हैं। गेंड बताया गया है 8034 पीस, जैसे कि मैंने आपको बताया गेंड का मीन्स मतलब होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ बैंक को 8034 पीस का। प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹8034, 6% है रेट, रेट जो होता है वो परसेंटेज में होता है, जो कि है 6%, 2 ईयर्स है टाइम, टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर्स। और उसके बाद पूछा गया व्हाट अमाउंट डिड इट लैंड, उस बैंक ने कितनी अमाउंट उधार दी या कर्ज दी वो पूछ मालूम करनी है। तो जो सी अमाउंट उधार दी जाए या ली जाए उसको प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, असल में प्रिंसिपल अमाउंट को मालूम करने का कहा गया है, प्रिंसिपल अमाउंट हमने मालूम करनी है। प्रिंसिपल अमाउंट को मालूम कर लेंगे फार्मूला की मदद से, और फार्मूला यूज़ होगा प्रॉफिट का, क्योंकि बैंक को हुआ प्रॉफिट तो प्रॉफिट का फार्मूला यूज़ होगा, और जो कि होगा कंपाउंड, ये जो रेट है कंपाउंड है, कंपाउंडेड है, तो प्रॉफिट जो है वो भी कंपाउंडेड ही होगा, कंपाउंड प्रॉफिट का फार्मूला यूज़ होगा, कंपाउंड प्रॉफिट का फार्मूला यूज़ करते हुए हम प्रिंसिपल अमाउंट को मालूम कर देंगे। और कंपाउंड प्रॉफिट का फार्मूला आपको याद होगा, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 प्लस आर ओवर 100 टू द पावर टाइम माइनस फिर से प्रिंसिपल अमाउंट, यह फार्मूला कंपाउंड प्रॉफिट को मालूम करने का। ये जो फार्मूला हमने लिखा है इसमें इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। कंपाउंड प्रॉफिट जो कि है 8034 पीस, 8034 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट हमने मालूम करनी है, इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है इसलिए बस इसको पी ही लिख दूंगा, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट हमने मालूम करनी है 1 + R/100, 1 + R, R means rate, rate है 6% over 100, और इसकी पावर है टाइम, टाइम है 2 ईयर्स, इसलिए इसकी पावर 2 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, यहाँ पर मैंने P लिख दिया या PA लिख दिया या फिर कंप्लीट इसको प्रिंसिपल अमाउंट लिख लें तो बेहतर रहेगा, माइनस P यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट। अब इस ये जो हमने फार्मूला लिखा इसमें इसकी वैल्यूज पुट कर लें, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 8034 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 + 6/100, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले 6 को डिवाइड कर देते हैं 100 से और फिर इसमें प्लस हो जाएगा 1, तो ये बन जाएगा 1.06 और इसकी पावर 2 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, 8034 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट। अब 1.06 का स्क्वायर लेना है, इसकी पावर 2 है मींस इसका स्क्वायर लिया जाएगा, और जब स्क्वायर लिया जाएगा तो ये बन जाएगा 1.1236, अब इसकी पावर 2 नहीं लेनी क्योंकि हमने इसका स्क्वायर मालूम कर लिया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में 8034 इज इक्वल टू इधर भी प्रिंसिपल अमाउंट और इधर भी प्रिंसिपल अमाउंट, दोनों प्रिंसिपल अमाउंट हैं, दोनों में से किसी एक को कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेंगे तो 1.1236 माइनस यहाँ पर 1 आ जाएगा क्योंकि हमने इस प्रिंसिपल अमाउंट को कॉमन ले लिया हुआ है, 8034 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इनटू 1.1236 माइनस 1, अब इसको इसमें से माइनस कर लेते हैं 1 को, तो ये बन जाएगा 0.1236, 8034 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट, हमने बस पी की वैल्यू मालूम करनी है जो कि है प्रिंसिपल अमाउंट, और इस क्वेश्चन में हमें बस प्रिंसिपल अमाउंट को ही मालूम करने का कहा गया है, जो प्रिंसिपल अमाउंट के साथ जो बाकी जो कीमत है, जो बाकी जो रकम है उसको इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे इधर तो ये वाली रकम पी के साथ इनके प्रिंसिपल अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन जब दूसरी साइड पे जाएगी तो जो जाकर डिवाइड हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड 0.1236। अब 8034 को
को डिवाइड कर लेते हैं 0.1236 से, 0.1236 इज इक्वल टू 65,000। प्रिंसिपल अमाउंट हमने मालूम कर ली 65,000, जो कि है रुपीज़ में बात हो रही है, तो साथ रुपीज़ का सिंबल। जिस तरह हमसे कहा गया है यहाँ पर कि व्हाट अमाउंट डिड इट लैंड, इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा मेन यही गया है कि कितनी अमाउंट उस बैंक ने, कितनी अमाउंट कर्ज दी, तो हमने वो मालूम कर ली कि बैंक ने 65,000 रुपीज़ कर्ज के तौर पर दिए थे, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है।